कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हरदर्मी बरकरार है, इंतहा को पहुंच गई है। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज के बाद ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद कर दिए हैं। बरवक्त इलाज ना मिलने से एनआईसीएच में दो बच्चे दम तोड़ गए। बच्चे का वालिद लखते जिगर की लाश उठाए अस्पताल में फिरता रहा। डॉक्टर्स की बेहिसी पर मरीजों और तीमारदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तीमारदारों ने एनआईसीएच में डॉक्टर्स का एहतजाजी कैंप भी उखाड़ दिया। मुश्तैल अफराद ने डॉक्टर्स की कुर्सियां और बेंच बाहर फेंक दिए। डॉक्टर से तलकलामी भी हुई है। आपको बताएं कि एनआईसीएच में दो बच्चे दम तोड़ गए हैं। बच्चे का वालिद लखते जिगर की लाश उठाए अस्पताल में फिरता रहा। इसी पर बात करेंगे। एनआईसीएच के बाहर हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद मौजूद हैं। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा, डॉक्टर्स की हठधर्मी के बायस बच्चे इंतकाल कर रहे हैं, मरीजों उनके लवाहिकीन का क्या कहना है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जी देखें, बिल्कुल सिंध हुकूमत भी गायब है और डॉक्टरों की हठधर्मी भी बरकरार है, क्योंकि चौथे रोज जो है ओपीडीज का बायकॉट अब दाखिल हो चुका है और आज जो है तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर भी बंद करने का ऐलान किया गया था यंग डॉक्टरों की जानब से। और अभी थोड़ी देर कब जो अफसोसनाक खबर सामने आई है कि एनआईसीएच अस्पताल में दो बच्चे जो नन्हे बच्चे थे, जो कि एक झूल मक्सी का था और एक गुलिस्तान जौहर का, दौरान इलाज जो है वो इंतकाल कर गया है। लवाहिकीन ने यही इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पर वो डॉक्टरों को बुलाते रहे, तिबी हमले को बुलाते रहे कि उनके आके बच्चे को चेकअप किया जाए, देखा जाए, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है और उन इस वजह से इन बच्चों का इंतकाल हुआ है। जैसे वालदैन अपने बच्चों की लाशें लेकर अस्पताल से दाखिल निकलने की कोशिश की, एम्बुलेंस में लेके जाने की कोशिश की, तो मेन गेट पर ही डॉक्टरों का एहतजाजी कैंप यहाँ पर लगा हुआ था। जैसे ही डॉक्टरों ने नारेबाजी शुरू की तो जो लवाहिकीन थे वो शदीद मुश्तैल में आए और उन्होंने एक दूसरे पर तलख कलामी हुई, जिसके बाद लवाहिकीन ने डॉक्टरों के साथ गुतम गुतम हुए और जिसके बाद लवाहिकीन जो है वो कुर्सियां उन पर बरसाई, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहां पे लोग जमा हुए। दीगर मुश्तैल अफराद ने भी डॉक्टरों पर हाथ साफ किया, जिसके बाद डॉक्टरों को एनएससी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्डों ने यहां से बचा के एक महफूज कमरे में मुंतकिल किया, जिसके बाद तमाम डॉक्टरों ने पूरे अस्पताल का बायकॉट कर दिया।